में लुकीराम बेसरा अनिल मरंडी अनिल किस्कू दिनेश कुमार सबकी संजीव ओवर डाउन रे मिलाया समय कम गया शुरुआत लगो बनाए थे विपक्षी टीम रे ना टेकिंग लाइन हो उन्होंने चल खाए जब सिर पर दस रे आवंजन रे गया वो संजय कर्माली संजय कर्माली हो काफी घातक खिलाड़ी के रहे चलिए रंगा लगाते काफी यह तो होगा संजीत के बोलना संजीत तो दिनेश कुमार हेमरम लगे दिनेश कुमार हेमरम दो बिहारी लगे ने नोटे सरकाओ करा ये एक उन बिहारी नी बार दम कंट्रोल करते श्याम हस्तावा ग्राफ के बोले दी के दा देखिए सुरेंद्र को भी चित्ते बेगल लाते दी के दा अनिल परंडिल का इंसान एक किसको लगा वो काफी लगा करा लेकिन दर चपन तिकड़ी दी देन जर्सी नंबर 13 उन्हें बोले क्लियर हो कदा टीम ने कैप्टन होते थे संजय रूसी हमें मिल रहा है कि ना ग्रीडी से कोई जैसी नंबर 13 रहे टीम देन ना दमदार उन्हीं चितान लगी फिलहाल ग्रीडी दिखाने का कोई हमला बना रहे हैं रणदीप रहे गेंद हाथ एक अच्छी किताब मौका हुई जाए कि ना चौथा नंबर लगा इस बीच बहुत ही सुंदर मौका चेस डाउन करने के बाद थोड़ा लगा दी बीच ना जिसके चलते जय कुमार उल्बगान तोहरेन उन्हें बोले क्लियर हो कदा फिर से जय की बॉल चलाओ करना जिनके ऊपर थे लेकिन जी ग्राउंड रहे तो होता नहीं कराते बांग तो हो किधर है और फिर से मेरे लुकीराम लगे लुकीराम तो नौ नंबर जैसे रोका खिलाड़ी पीछे अनिल मरंडी लगे लेकिन चौथा नंबर गेंद रजेरिया ब्रुमटूर है अमित सोरेन लेकिन बाहर रड़ी नील का थे एन हो उल्बगान थे ये बॉल चलाओ करना ग्यारह नंबर फिर से बहुत ही सुंदर पास लेकिन कोई खतरा बांग गिरिडीह रन डिफेंडर होते थे नो बॉल क्लियर करना अभी पहले शुरुआत करा अभी जगह नो मुकाबला नियल खान बनार टीम से कोई भूखा शुरुआत हुई कान काफी जबरदस्त हुई करा जीरो मनोज का जिस अभी के साथ यहाँ दर्शक पहुंचे थे मैं समझता हूँ कि अंतिम खड़ी में उनको जिसके चलते मैच रेफरी ने बिजी ले बजाव किया नतीजा राहत की सांस को जाम किया गिरिडीह रेन खिलाड़ी गिरिडीह देखो रफ चपन की टीम ने कैप्टन लगन ने पूरा काम करते ना लेकिन कैप्टन ना कंट्रोल बाग खेल लेने का थे उल बगान रन सुरेंद्र उन्हें बोले क्लियर को कदा अब की बार अनिल मरंडी रफ्तार हो गया कोशिश है लेकिन फर्क पर साथ देना होगा राहुल तुरु लेकिन बार बार बचता हुआ दिशाहीन शॉट तोड़ा का नहीं ना आक्रमण जेल में लुकीराम बेसरा बनोड़े अटैक जेल में और बेहतरीन अटैकिंग खिलाड़ी कनाए गोल टेकिंग खिलाड़ी कनाए लुकीराम बेसरा और उन्होंने पहचान की बिना पे आम जस्ती अनिल किस्कुम रोहिया पर्याप्त खिलाड़ी उन्हीं ने चला तो फिर उन्हें लुकीराम बेसरा हो पैदा उठो दरिया कना और कई बंदा रहे उनका जेल करा लुचे निश्चित रूप से यहाँ अनिल किस्कु के जीवन में खिलाड़ी का दायरा रहेगा क्योंकि उस खिलाड़ी को बिल्कुल वो लोग खाली नहीं छोड़ेंगे और वही का नतीजा जैसे आपने बताया कि लखनऊ को देख सकते हैं कि अगला पड़ाव वहां गोलकीपर का आगे आना होगा निश्चित रूप से वहां गोलकीपर आगे आएंगे और बहुत कैसे करेंगे पूर्ण जीवन को हम दिया करते हैं तो निश्चित रूप से परिवार के करीब करीब चले जाएंगे दोनों की टीम क्योंकि दोनों तरफ से खिलाड़ी एक समय में एक विकेट धरा है और दोनों तरफ से तो मैच बहुत सही लगा है मैं समझता हूँ कि बहुत आगे तक जीत लिया है और निश्चित रूप से काम करने के लिए बना रहा है I'm going to go to the hospital.
बिल्कुल यहां संजीत
एक दो भाग करके आत्मविश्वास जरूर बढ़ाए, लेकिन यहाँ दो सौ पर लगा हुआ है। यहाँ जर्सी नंबर दो पर निकलारी और इसी बीच अच्छा कलेक्शन कर लिया गया। अनिल मरंडी के पास एक नंदी का अवसर जरूर था, लेकिन हेडफोन का यहाँ इशारा आता हुआ अनिल मरंडी के हाथ में जो है बॉल लगी थी और हेडफोन का सारा आया था और फ्री किक का मौका मिला ग्रेडी के टीम को। बिल्कुल अपने सपोर्टिंग को देखते हुए लंबा चौका है, मिडिल सर्किल को पार किया गया है। ये देखिए मार्शल यहां से हैंडर के माध्यम से अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी संजीत को दिया गया, बिहारी हाफ लाइन के बीच एक मजबूत खिलाड़ी और इसी बीच आप दिनेश को देने का प्रयास, लेकिन बॉल टच लाइन से बाहर निकलता हुआ। एक शून्य से यहां लीड कर रहा है पाल्टन की टीम। इसी बीच अनिल मरंडी बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, गोल टेकिंग खिलाड़ी है। यहाँ अनिल किसको के लिए मोमेंटम बनाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन विपक्ष दो गोलों के साथ लीड कर रही है। सीरीज संजीत माइनस पास किया श्याम आस्था के लिए, जर्सी नंबर 29 पाने खिलाड़ी। एक बार फिर अनिल मरंडी पीछे किया संजीत के लिए, संजीत ने लंबा किया है। यहाँ अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी लिजार्ड खिलाड़ी अनिल किसको के लिए रन लिखे, इंटरसेप्शन एक मोमेंटम स्टाइलिश तरीके से करा दर्शन देखिए अनिल किसको का, लेकिन यहाँ से काफी बॉल बाहर निकल चुकी है और इसी बीच एक बार फिर से देखिए ग्रीडी के कब्जे में बॉल को कंट्रोल करने के बाद सहयोगी खिलाड़ी के लिए लंबा किया गया है। लेकिन इसी बीच चल रहा है लुकीराम यहां तैनात है और वो कंट्रोल करके अनिल को देने का प्रयास, लेकिन इसी बीच दिनेश कुमार हेम्ब्रम स्विंग के जादूगर बायोफ्लाइन के काफी स्पीड गति से खेलने वाले खिलाड़ी और इसी बीच थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होने के बाद बॉल निकल गई टच लाइन से बाहर। बड़ौदा जिस तरह से 2-0 की जो लीड बनी है क्या वापसी कर पाएंगे, एक बहुत बड़ा सवाल रह जाएगा। काफी समय बिना आनंद जर्सी नंबर 10 अधिघातक गया है हमें मिंदाड़ी कला गिरिडीह से कौन टीम जन कप्तान संजय लुईस नोए अड़ी घातक गया। 15 नंबर जैसे का खिलाड़ी अड़ी घातक गया बबूलाल मरंडी नुकवा खिलेडी कई टंडी रही जेल का थुका क्षमता बिना लेकिन उन्होंने थोड़ा सा हड़बड़ाहट के कारण थोड़ा सा गेम मांग बना करना और एक बार पूरे उड़ी दी मेंदा जैसे जो फर्स्ट हाफ लगी मिटन बोल नुकू को रोड कर रहा। बिल्कुल अवेबिलिटी है यहाँ ग्रीडी के पास गोल को रिटर्न करने का और इसी बीच यहां पर मौका मिल गया है अनिल किसको को गोल बनाने का, लेकिन टैकल बहुत ही बेहतरीन बाबी, लेकिन इसी बीच यहां एक कॉर्नर को जीता है बहुत ही शानदार ओकेशन। अनिल जिस तरह से मोमेंटम बना रहा था ऐसा लग रहा था कि गोल में परिणत होगा, लेकिन काफी चतुराई से इस खिलाड़ी को टैकल किया, लेकिन एक कॉर्नर को जीतने में कामयाबी मिली है। उल बगान चौहान टीम के खिलाड़ी अनिल यहां शॉट को दागने के लिए बिल्कुल एक डीपली कॉर्नर, इसी बीच बॉल को बाहर निकाला गया है। जर्सी नंबर 5 पर खिलाड़ी रोहित बॉल को उछाला गया है, देखिए बॉल को कंट्रोल करके इंटरसेप्ट करने के बाद तैयारी कर रहा है अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी को देने के लिए, अपने पास ही बॉल को रखा है, लेकिन यहां से मार्शल ने बॉल को कंट्रोल करके संजीत को पासेज किया गया है। अपने सपोर्टिंग खिलाड़ी को देखते हुए संजीत किस खिलाड़ी को पासेज करते हैं यह देखना शेष रहेगा। बहुत ही बेहतरीन पास यहां दिनेश कुमार हेम्ब्रम के लिए, बॉल को इंटरसेप्ट करके अनिल मरंडी के लिए बनाया गया है, लेकिन इसी बीच बहुत ही अच्छा कवरेज, लेकिन यहां हेडफोन का सहारा आता हुआ, तो बहुत ही बेहतरीन मुकाबला यहां देखने को मिल पा रहा है। मनोजा आज का ये 7वां मुकाबला है स्टूडेंट क्लब बरगमा के ऐतिहासिक स्टेडियम पर आज हम लोग सम्मिलित हुए हैं, शरीक हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन मुकाबला आज देख पा रहे हैं। इसी बीच काउंटर पर यहां पर दिनेश हेम्ब्रम अपने बलबूते पर यहां गोल